Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss on some of the questions that is given inside the chapter number 6, life processes. First question is, why is diffusion process insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? So question yahan par hai ki diffusion process jo hai ek multicellular organism mein क्यों सफिशियंट नहीं होता है टू कैरी आउट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सो एज वी नो दैट डिफ्यूजन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है. अच्छा, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ता है बोलते हैं, इसका मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज. कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज मीन्स दैट द सेल्स आर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट, बिकॉज वी ऑल नो दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या यूनिसेल्युलर हो कि मल्टीसेल्युलर हो, वो सेल्स से ही बना रहेगा. आइदर एक सिंगल सेल से बना हो या फिर ग्रुप्स ऑफ सेल्स से बना हो. सो सेल्स आर इन अ कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, उसको कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी इट इज़ सिमिलर, एंड इन अ मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म इट इज ऑल्सो सिमिलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है कि why the diffusion process is insufficient, because the organisms organisms mein jo cells hai, they are not in direct contact with the environment. To agar environment ke direct contact mein nahi honge to process of diffusion jo hai it will not meet the demand of oxygen. Jitna hum log ko oxygen chahiye body ke andar mein, ek human beings bhi ek multicellular organism hai, to हमारे बॉडी में प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स हैं. जैसे कि हमारे ऑक्सीजन डिमांड के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सो एज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट बी मेट बाय ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी जो है हमारे बॉडी में, दे आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट. तो सारे सेल्स तो डिफ्यूजन प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते. डीप इनसाइड द बॉडी जो सेल्स है वो that will not get oxygen if our body is only dependent upon the diffusion process. So इसलिए we need a specialized system, पहला चीज़. दूसरा चीज़ है, diffusion process जो है वो बहुत slow process है. To carry the oxygen where it is required to cover the distance between the gaseous exchange surface and the site of its requirement. तो diffusion process जो है बहुत slow है और हमें constant supply चाहिए oxygen का. तो ये भी प्रोसेस भी ठीक नहीं है हम लोग के लिए. डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी स्लो फॉर अस. एंड सेकेंड है कि हमारा बॉडी जो है इट इज़ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी है. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट. ठीक है, सो देयरफॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीड अ गैसियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द दैट इज द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम के थ्रू से हमारे बॉडी में गैसियस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. तो एक ऑर्गेनिज्म लाइव है कि डेड है. वी हैव डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि अगर एक ऑर्गेनिज्म लाइव है तो लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करेगा, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशंस. सो विच आर नॉट विजिबल इन, विच वी कैन नॉट सी इट इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ये सब लाइफ प्रोसेसेस नहीं देख पाएंगे. ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. सो आउटसाइड रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या है जो आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज करता है. बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है टेक फूड, ऑक्सीजन, वाटर एज रॉ मटेरियल्स. अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट अलॉन्ग विथ वाटर एज रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. सो कौन सा प्रोसेसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग जो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए थे उसमें सेवन लाइफ प्रोसेसेस वी हैड कवर्ड. सो दिस इंक्लूड्स रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन.
दीज आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस दैट आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, इसलिए उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. सो दैट वॉज ऑल द क्वेश्चन दैट वर गिवन इन पेज नंबर आई थिंक 93. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.